चलाओ जी। हाँ जी सत श्री अकाल जी, सारे भैन भरावां नूं जिन्ने भी जाने तुसीं साडे नाल जुड़े होए हो सारिआं नूं दुबारा फिर सत श्री अकाल जी। गल करनी आ बई अज जिहड़ा तुहाडे नाल पहली बार खुल के गल्लां बातां करांगे। सब तो पहली तां गल मैं तुसीं देखिआ ही होणा कि वोटां तों पहलां अंदोलन तों पहलां आपां जिहड़ियां राजनीतिक पार्टियां जिहड़ियां राज करके गईआं उहनां दा शरेआम आपां खिलाफ़ बोलदे रहे हां, खिलाफ़ आपां बोलदे रहे हां क्योंकि प्रैशर ग्रुप बना के रखना विरोध करना बहुत ज़्यादा जरूरी हुंदा है। तां अज जिहड़े पंजाब दे लोग जागे ने गे, चंगी गल आ कि पंजाब दे विच अज बदलाव आया है, पर जिस तरह असीं प्रैशर ग्रुप पहलां वाली पार्टी दे बना के रख्या उस तरह का प्रैशर ग्रुप असीं नवीं पार्टी ते भी बना के रखांगे, इहदे विच कोई दो राय नहीं हैगीआं। ठीक है जी, गल उस तरह का असीं प्रैशर ग्रुप बना के रखना क्योंकि जे प्रैशर ग्रुप नहीं बनया होगा तो जिहड़ा उही जिहड़ा अपनी है मनमर्जियां जिहड़े राजनीतिक बंदे करदे ने अगे भी रीत पै सकदे भी वह भी करनगे। उम्मीद करदे कि जिहड़ी नवीं पार्टी हैगी पंजाब दे भविख लई पंजाब दे लोकां लई चंगा काम करे। सब तो पहले तो मैं तुहानूं तुसीं देखिआ होणा कि मैं बादल परिवार दे बहुत खिलाफ़ बोलदा रहा, कांग्रेस दे बहुत खिलाफ़ बोलदा रहा, पर मैं अज्ज कहा वीडियो ते गल करनी है। अज्ज मैं कुछ गल्लां बादलों के हक दीआं बोलणीआं नेगीआं क्योंकि मैनू साडे पिंडां वाले ने मैनू होर जिहड़े अकाली दल दे विच भैण भरा का मन के चल वर्कर सीगे उह गल्लां कहिंदे हुंदे, कहिंदे तूं अज तिकर सब तो वध वीडियो बादलों के कांग्रेस के खिलाफ़ बनाईआं ने, कहिंदे जे किते मन के चल बादलों के वध बनाईआं ने कांग्रेस की भी उन्नीआं बनाईआं ने, कहिंदे भी जे किते बादलों की सरकार आ गई सब तो पहला परचा तेरे ते होऊगा। तुसीं शरेआम अनेक वीडियो तुसीं देख लो कढ के भी सब तो पहला परचा तेरे ते होऊगा। बादलों के आगू भी ये गल्लां कहिंदे रहे नेगे साडे कांग्रेस का, मैं पंजाब दे विच चरणजीत चन्नी का किसी ने विरोध नहीं किया, थोड़े भरा ने पूरी हिम्मत दे पूरी जुरत नाल पिंड दे विच एक 30 सकेंटों तो बाद मैं चन्नी खड़न दिता सी, थोड़े भरा ने थोड़ा साथ आ थोड़ा प्यार आ उस अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा का आशीर्वाद आ उहदे सदका उहनां नूं आपां घेरिआ। हुण तुसीं गल इह आ कि चरणजीत चन्नी दोनों सीटों तों हार गया, भदौर तों हार गया, सारे बड़े बड़े दिग उतर गए। अज्ज मैं जिहड़ी गल्लबात सब तो पहलां करनी आ शुरुआत वीडियो नूं शेयर जरूर करी जाणा वध तों वध जिन्ने भी जाणे तुसीं जुड़े होए हो गल्लां तुहाडे नाल काम दी करूंगा। सब तो पहला जिहड़ी मैं तुहाडे नाल गल्लबात करनी है अज गुरु रामदास पातशाह जी दे चरणा च बेनती कि उहनां दा भी कख ना रहे क्योंकि सब तो वड्डी अदालत उहदी हैगी जिथों कुछ लुकिया छुपिया नहीं हैगा, कोई केस लंबा नहीं चलदा ते जे सियासत वास्ते कीती है ते 10 मास दूर नहीं है, मालिक कृपा करन दुध दा दुध पानी दा पानी कर दे। भाई जी सियासत खेडी है, एक मैं गल कहना चाहुंदा अज बादलों दे हक दे विच मन लैने कि तुसीं बेअबदी नहीं कराई। अज मैं यह गल कहना चाहुंदा कि मन लैने तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब की बेअबदी नहीं कराई। एक गल मैं बड़ी जांच पड़ताल दिसा, मैं एक जांचा पड़ताल है, मैं बादलों के नज़दीकी बंदों तों ही पुछया भी की सच्ची यार बादल इस तरह कुछ कर सकते हैं। एक गल मैं तुहानूं हरसिमरत कौर बादल की सच्चाई दस दिना। हरसिमरत कौर बादल जी तुसीं अज मेरे मूहों आपकी तारीफ सुन लो थोड़ी जी। हरसिमरत कौर बादल सच्ची एक गल मैं कहना चाहुंदा सच्ची गुरु ग्रंथ साहिब च बहुत वड्डा विश्वास रखती है, नितनेम पाठ की धारनी उह मैनूं होर दे नज़दीकी बंदे ने गल देखी जिन्हां ने अक्खी गल्लां देखियां, मैं अक्खी गल नहीं सुनी। हरसिमरत कौर बादल बादल परिवार का गुरु ग्रंथ साहिब दे विच बहुत वड्डा विश्वास है, एक गल कहना चाहुंदा, एक गल सारे पंजाब वासियों नूं सुन लैनी चाहीदी है। मैं गल अज दावे नाल कह सकदा कि बादलों ने भी मन लैंदे कि बादलों ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअबदी नहीं कराई, पर इहदा कारण की आ बई जी? कारण सब तो वड्डा इह रिहा अज तकर बादल परिवार दो तरीकों के नाल जितते आए ने गे, दो तरह की वोट नाल जितते आ रहे हैं। सब तो पहली वोट उन्होंने सब तो वध पैंदी सीगी सिख पंथ की, सिख पंथ के नाते उन्होंने लंबा समा रोटियां सेकियां। दूजी उन्होंने वोट पैंदी सी किसानों की क्योंकि खेती करने वाले सब तो बाद तुहानूं पता है कि किसान नेगे सिख परिवार नाल संबंध रखते हैं। हुण इन्होंने दो जिहड़ा इन्होंने धरावां की वोट वध पैंदी आ रही है। सब तो वध जे आपां गल करिए किसानों की ते सिखां की, दोने इन्हों तो मुख मोड़ गए बादलों तो अज वो जे दोने मुख मोड़ गए तो अज उन्होंने हालात ये हुए नेगे कि तुसीं जिहड़े कहते हालात जिहड़े बादल मरदा मरदा उहदे हालात देख गया। मैं गल कही सीगी मज तो चाहे तुसीं, मैं तो डेढ़ दो साल पहलां गल कही सीगी कि सुखबीर बादल कदे भी पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, चाहे वीडियो कढ के देख लियो बन भी नहीं सकता, यह भी गल मैं अज लिख के देना। मैं तो साल पहला गल कही कि पांच बारी प्रकाश बादल मुख्यमंत्री रहेगा, सुखबीर बादल एक बारी पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, ये गल मैं पहला भी कही सी ते हुण भी मेरी ये गल अगे तो उस ते मैं कायम रहूँगा। हुण गल बई जिहड़ी मैं तुहानूं कहण लई जा रहा कि बादलों ने बेअबदी नहीं करी ते इहदा कारण की आ बई जी?
कारण यह कि जिन्होंने बेअबदी कराई है बादलों ने अज तक डेरा के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलिया, डेरे के खिलाफ एक एक शब्द नहीं बोलिया। बादलों ने सब तो बड़ा इन्हों का यह कारण रहा कि जिन्होंने बेअबदी करी है उन्होंने खिलाफ असं मान लें कि तुम बेअबदी नहीं कराई। हरसिमरत कौर बादल हरिमंदर साहब की धरती से गल कर खड़ी कर खड़ी होकर कहती है कि जिन्होंने धन श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअबदी कराई उन्होंने कख ना रहे, करी है जिन्ह ने क तुसी करी नहीं पर तुसी करवाई है, ये गल सच्चाई है। क्योंकि जे तुसी डेरे के खिलाफ स्टैंड लेता होंदा, डेरे के खिलाफ तुसी अज तक स्टैंड इस करके नहीं लेता क्योंकि तुहानू पता सी कि चार जिले के विच पक्कियां वोटां नेगियां, संगरूर बरनाला बठिंडा ते मानसा, इन्हां चारां जिलों के जिहड़ियां पक्कियां वोटां ने डेरे दीआं नेगियां। तुसी इस करके डेरे के एक भी लफ्ज़ खिलाफ नहीं बोलिया। जे बठिंडे वाले केस की गल करिए, बठिंडे दे विच इक बादला ने डेरे दे संत राम रहीम दे खिलाफ एक केस पाया होया, जदों भी बादल उस केस नूं उहदी खोल दिंदे सी जदों डेरे दीआं वोटां लैणियां हुंदियां सी। इस करके जेकर तुसीं स्टैंड सिखां दे हक दे विच लैता हुंदा, कौम दे हक दे विच स्टैंड लैता हुंदा तां तुहाडे हालात नहीं होणे सीगे। जे तुसीं किसानां दे हक दे विच स्टैंड लैता हुंदा, जे तुसीं तिन्ने कानूनां दा डट के केंद्र सरकार दे नाल विरोध कीता हुंदा तां तुहाडे हालात नहीं होणे सीगे। इह सच्चाई है। हुण इसदा सच्चाई दा इह कारण है कि तुसीं मन लैणा कि तुसीं बेअबदी नहीं कराई, पर इहदा कारण दो चीज़ां रहियां नेगियां, किसानी ते सिख, इस करके थोड़ी हार हुई है। हुण गलबात जिहड़ी करिए, जे पंजाब दी नवीं पार्टी बनी दी गल करिए, भगवंत मान ने सब तो पहला एक गल कही सी, पत्रकारों ने गल कही सी, भगवंत मान ने गल कहिंदा सीगा कि जदों साडी सरकार बनूगी, साडी सरकार बनदिया ही माड़ा उधर उधर रोक ला, साडी सरकार बनदिया ही भी पंजाब दे विच कदे धरना नहीं लगणगे, टीचरां दा धरना नहीं लगूगा, किसानां दा धरना नहीं लगूगा, मजदूरां दा धरना नहीं लगूगा। असीं भगवंत मान तो उम्मीद करते हैं, सानू धरने लाउण दा कोई शौक नहीं हैगा, भी असीं शौक नूं धरने लाई जांदे आ, आ बड़ाई आ लिया यार कोई ना इधर लिया, असीं कोई शौक नूं धरने लाई जांदे आ, धरने लाउण दा कोई सानू शौक नहीं हैगा। असीं उम्मीद करदे कि भगवंत मान भी इस चीज़ तों रहत सानू रहत दवावे। हुण गल इह आ कि पिंडां दे विच सब तों वड्डी गल आपां देखीए, अकाली कांग्रसी झाड़ू साडे पिंडां दे विच इस चीज़ तों बाहर आ के सानू एकता अपना के रखण दी लोड़ है, सानू झंडे च डंडा फसा के उस तरह ही बना रखण दी लोड़ है। जे अज आम आदमी पार्टी नूं 92-93 सीटां आईआं ने, इह सीटां आउण दा सब तों वड्डा कारण है कि पंजाब दे लोक जागरूक होए नेगे, पंजाब दे लोक किसानी अंदोलन ने जगाए नेगे। जे दिल्ली दे विच एडा अंदोलन ना हुंदा, जे बादलों के खिलाफ बादलों के करतूतां बाहर ना आउंदियां, जे चरणजीत चन्नी वर्गे दे करतूतां बाहर ना आउंदियां, तां आम आदमी पार्टी नूं इन्नियां सीटां नहीं आ सकदियां सीगियां। इहदा सब तों वड्डा कारण रिहा किसी पत्रकार ने, किसी राइटर ने गल कही है कि एक पासे यूनिवर्सिटियां खोल दो 10 ते एक पासे किसानी अंदोलन, किसानी अंदोलन ने इन्ना लोगों नूं जगाया है। पर हुण समा उह है कि जागदे रहण दी लोड़ है कि जे झाड़ू वाले गल्लां कहण भी साडी सरकार आ गई, सरकार सरकारां इह गल्लां पहलां बादल वाले भी बोलदे हुंदे कि साडे बादलां दी सरकार है, इह गल्लां कांग्रेस वाले भी बोलदे हुंदे कि साडी सरकार है। जदों तुसीं इस चीज़ तो बाहर निकल के आ जाओगे, एक प्रेसर ग्रुप, एक अपना तकड़ा प्रेसर ग्रुप बना के रखोगे भी जिदी मर्जी सरकार होवे, असी जो सरकार पंजाब दे लोकां दे हितां दे विच नहीं काम करती, असी उन्हों सवाल जवाब घेर के पुछांगे। बेशक चरणजीत चन्नी सीगा, जे भगवंत मान असी 2-3 महीने वेट करांगे, असी उम्मीद करते हैं भगवंत मान की, मैं हमेशा सपोर्ट करता हाँ, अज तक मैं कदे भगवंत मान के खिलाफ भी नहीं बोलिया, भगवंत मान के खिलाफ भी मैं 2014 के सब तो पहला भगवंत मान की सपोर्ट करी सी, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी सी, कि जदों के भगवंत मान नूं टिकट भी नहीं सी मिली, मेरे फोटो कट के देख लो फेसबुक से। असीं उम्मीद करते कि भगवंत मान लोगों के, जो भगवंत मान ने कल स्पीच दिती है MLA नूं, काबले तारीफ स्पीच है, काबले तारीफ स्पीच है, पर जे भगवंत मान जो उहदे MLA अपने काम तो थिड़कण गए, जिमें चरणजीत चन्नी नूं घेर के सवाल जवाब पुछे सीगे, जिमें असीं सारे लीडरां नूं घेरदे रहे हां, जिमें बादलों के खिलाफ बोलते रहे हां, तां उह दिन दूर नहीं सी इन्हां दे खिलाफ भी मोर्चे तैयार नेगे। असीं वेट करांगे नवी सरकार बनी है, मौका देवांगे नवी सरकार बनी है कि नवी सरकार नूं सैट होण दे ते नवी सरकार नूं उम्मीद करांगे कि नवी सरकार चंगे काम करेगी, समां देवांगे इहो जिहा, पर जे नवी सरकार भी नहीं काम करेगी उस तरह ही सवाल जवाब जिमें अकाली ते कांग्रसियां दी मंजी ठोकदे आ उस तरह ही मंजी ठोकदे रहांगे। ये गल अज साफ ते स्पष्ट क्लीयर है, असी किसे, क्योंकि सब तो वड्डी गल हुंदी है जे आम आदमी पार्टी विरोधी धिर कांग्रेस नूं चंगी तरह सवाल जवाब घेर के पुछदी हुंदी ना, तां उह मसलों के बहुत सारे हल करा सकती सी। असी घेर के कांग्रेस नूं सवाल जवाब भी पुछे, जे विरोधी धिर कामयाब होवे, विरोधी धिर तकड़ी होवे,
ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਐਮ ਐਲ ਏ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਐਮ ਐਲ ਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਹ ਬੁੱਕੋ ਕੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਆਇਆ, ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਤੈਥੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਪਿਰਮਲ ਧੌਲੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੈਥੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਬਈ ਇੱਕ ਐਮ ਐਲ ਏ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ। ਇੱਕ ਐਮ ਐਲ ਏ ਡਾਂਗ ਚੱਕ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਮ ਐਲ ਏ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਐਮ ਐਲ ਏ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਐਮ ਐਲ ਏ ਇੱਕ ਡਾਂਗ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸ ਐਚ ਓ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ। ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਐਸ ਐਚ ਓ ਨੂੰ ਲਾਹ ਬੁੱਕੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਲਕਾ ਭਦੌੜਾ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੂੰਗਾ, ਐਸ ਐਚ ਓ ਨੂੰ ਰੂੜੇ ਕਾਲੇ ਨੂੰ, ਐਸ ਐਚ ਓ ਨੂੰ ਧਰੌਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਐਸ ਐਚ ਓ ਤੇਰੇ ਥਾਣੇ ਤੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਭਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਦਬਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਡਾਂਗ ਚੱਕ ਕੇ ਖੜ ਜਾ ਵੀ ਆਹ ਭਾਈ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਬਾਈ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਂਗ ਚੱਕ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਏ ਪਾਰਟੀ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ, 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ ਬਾਈ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਸਾਡੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਕਸਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ ਦਾ 1,00,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਾਈ ਦਾ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ 5-5 ਦਿਨ ਹਫ਼ਤਾ ਗੇੜੇ ਮਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਚੱਕ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗ ਚੱਕ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨੇ ਬਾਹਰ ਲੁੱਟ ਕਸੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਰੋਗੇ, ਡਟ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਦਬਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫੌਜ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਫੌਜ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੌਜ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੁੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਥਿੜਕੂਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘੇਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੇਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕਿ ਭਾਨੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘੇਰਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇਗੇ ਸਾਰੇ। ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਝਾੜੂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਜੋ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੈਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਸੀ, 36,000 ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਾ, ਬੜੇ ਐਲਾਨ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਝੂਠੇ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਸੀਗੇ। ਆਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ 5-7 ਸਵਾਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਕੋਲੇ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ, ਚੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘੇਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਉਤਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਘੇਰ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਡੱਟ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ ਹੈ। ਲਾਹ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਲਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਰਹੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਨੀਗੇ। ਐਮ ਐਲ ਏ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲਾਭ ਉਗੋ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ,
घेर के नशा बंद करा दे, जिहड़ी करप्शन हो रही है वह बंद करा दे, स्कूलों के जो बंद करा दे। सब तो बड़े पंजाब के मुद्दे जोड़े मैं गिणदा वह तीन मुद्दे सब तो बड़े पंजाब के मुद्दे ये नेगे। जे आम आदमी पार्टी ये मुद्दे हल करती है, जे मैं किसानी की गल करा सब तो वड्डी गल है कि पंजाब खेतीबाड़ी बदला लिया हो आम आदमी पार्टी, दो फसली चक्कर तो बाहर कढ़ दे आम आदमी पार्टी, कणक ते झोने दे विचों किसानां नूं बाहर कढ़ दे, तां पंजाब दा किसान अमीर होजूगा, मजदूर अमीर होजूगा, तो व्यापारी वर्ग अमीर होजूगा। किवें अमीर होजूगा? जे पंजाब दे विच खेतीबाड़ी बदला हुंदा है, पंजाब दे विच 23 फसलों के MSP है, जे आम आदमी पार्टी 10 फसलों के MSP दवाउण दे विच कामयाब हुंदी है, पंजाब दुनिया का सब तो अमीर सूबा बन सकता है। इस करके बन सकता है क्योंकि 4-4, 5-5 लाख रुपया जिहड़ी खेती है एक एकड़ दे विच हो सकती है, साल दे विच एक एकड़ दे विच हो सकती है 4-5 लाख रुपये की आमदन हो सकती है। जदों एक इन्नी आमदन बढ़ गई, फलों की खेती होने लग गई, सब्जियों की खेती होने लग गई, उन्हां लई स्टोरां की लोड़ है, उन्हां लई ट्रैवलिंग की लोड़ है, उन्हां लई जिहड़ा साडा रोड ते जिहड़ा व्यापारिक ढांचा वधाउण लई रोड़ां दे उपर जिहड़ा साडा व्यापार वधण लई ट्रकां दी ड्राइवरां दी लोड़ है, उहदे लई रुजगार वधूगा। जे पंजाब दे विच फलों की सब्जी हो, फलों की खेती हो ते सब्जियों की खेती होगी, उहदे लई व्यापार नूं बहुत वड्डा लाभ होना है। क्योंकि मजदूरों के जिहड़े धी पुत, मैं कहना चाहुंदा कि तीन पिंडां दा स्टोर खुल्ले तां उहदे ते मजदूरों के धी पुत उहदे उपर नौकरी करनगे। जिहड़े व्यापारी वर्ग है, जिहड़ा साडा महाजन वर्ग है, वह व्यापार करेगा, इंटरनेशनल व्यापार करेगा। इस करके आम आदमी पार्टी खेतीबाड़ी बदला कर दे। सब तो वड्डी समस्या पंजाब दी इह है कि अज पंजाब दा पानी गंदला हो गया, पंजाब दी हवा गंदली हो गई, पंजाब दी मिट्टी गंदली हो गई। हस्पताल खोलण दे नालों आम आदमी पार्टी वाले कई मेरे भरा गल्लां हस्पतालों के जाके फोटोआं वीडियो पाई भी जाते हैं कि असं हस्पतालों के जाके उन्हां दी चैकिंग कर रहे हैं, बहुत चंगी गल है चैकिंग कर रहे हो। पर मैं तुहानू गल दसना चाहुंदा मेरे भरावो, सब तो पहला जिहड़ा पंजाब दा जिहड़ा हस्पताल खोलण नालों अज पंजाब दे विच 33% दरख्त चाहिए ने, अज पंजाब दे विच 1% दरख्त ने गे। अज पंजाब दा वातावरण ते बोलण दी लोड़ है। अज पंजाब दा पानी गंदला हो गया, 150-150 फुट ते चला गया। पंजाब दे विच फैक्ट्रियां लाउण दी बिल्कुल लोड़ नहीं हैगी। जिहड़ियां गल्लां करदे ने असीं फैक्ट्रियां इंडस्ट्रियां लै के आवांगे। पंजाब खेती प्रधान सूबा है, खेती प्रधान सूबा, इस करके पंजाब दे विच खेतीबाड़ी होनी चाहिए है। जेकर पंजाब दे विच धौला फैक्ट्री वर्गिया फैक्ट्रियां आउंदे ने, मैं मानदा भी उस फैक्ट्री ने कम दित्ता है, पर एक गल याद रख लो वीरो, पंजाब दे विच साडे पिंडां दे विच कैंसर तक दीआं बीमारियां आ गईआं, पिंडां दे पाणी गंदले हो गए। एक भी घर पिंडां दे विच ओह नहीं होना जिहदे घर दे विच फिल्टर ना होवे, एक भी घर ओह नहीं होना कि जिहदे घर दे विच फ्रिज ते दवाइयां ना होण। सारे घरां दे विच तुसीं देख लो कि जिहड़ियां बीमारियां बड़ियां, दवाइयां दे मूहे लख लख रुपया जा रहा है। हस्पताल बनाउण दे नालों पहलां पंजाब दे जिहड़ा वातावरण साफ करो। अज गिठ जिहड़ी धरती आ पंजाब दे विच, गिठ धरती बिना जहरां तों बणी बची सारी पंजाब दी धरती जरीली होई हुई पई है। सब तो वड्डी गल है कि पावन गुरु पानी पिता माता धरत महत, तिने चीज़ां दा ध्यान दे लो, पानी हवा ते मिट्टी ते, तिने चीज़ां इंपोर्टेंट ने। जे मनुखता नूं बचाउणा, जे तुसीं चाहुंदे हो कि लोकां नूं बीमारियों तों बाहर कढ़ना, तां तिने चीज़ां दा ध्यान दे ले। आम आदमी पार्टी सब तो वड्डा मुद्दा ही ये है कि पानी हवा ते मिट्टी नूं बचाउणा, सब तो वड्डा मुद्दा यह है। पंजाब दे विच 33% दरख्त चाहिए ने, 1% दरख्त रह गए, 150-150 फुट ते पंजाब दा पानी चला गया। 17 साल दा पंजाब कोले पानी है, तो जिहड़ी गल करिए असीं मिट्टी है, सारी पंजाब दी मिट्टी दे विच जहरां फैल गईआं, उह जहरां दे विचों कढ़न दी लोड़ है। ये पंजाब दे मुद्दे नेगे, डट के चंगा काम करो, थोड़ा साथ देवांगे, चंग जिहड़े भी MLA ने थोड़ा साथ देवांगे, डट के जिहड़ा प्रशासन नूं डांग चक्को जिन्हां ने करप्शन की है। अज थाणिआं दे विच तुहानूं जिहड़ी भगवंत ने गल कही है, थाणिआं दे विच कोई भी बंदा बिन पैसे लए काम नहीं कर रहा। पैसे पुलिस का लैना एक मजबूरी है, पुलिस की पैसे लैनी क्यों मजबूरी है? क्योंकि पुलिस है जिहड़ी वो पैसे बाई जी लिजा के पहला तो बादलों को दिंदी सी, फिर कांग्रेस को दिंदी रही है, इकट्ठे करके जिहड़े पैसे ने उन्हें वोटों के भी हुण यह बनते रहे नेगे। तुहानूं पता भी किन्ना किन्ना रुपया, मैं तुहानूं नाम लैके दस दिना भी ढेर लाते जगमीत बराल वर्गा ने आज हल्का मोड़ के पैसे वंडन दे, ता भी उत्थों उन्हों वोटां नहीं निकलियां। ढेर लाते चरणजीत चन्नी ने 5-5 करोड़ दीआं ऑफरां दित्तियां भदौड़ दे विच, पैसे बथेरे वंडे, हज़ारां हज़ारां दे विच वोट खरीदी, पर लोक नहीं बिके। इस करके हुण तुहाडे कोले बहुत वड्डा मौका कि तुसीं जिहड़ा पंजाब दा बदलाव कर सकदे हो। चरणजीत चन्नी वर्गे ने करोड़ां रुपया 5-5 करोड़ां दीआं ऑफरां दित्तियां, तां भी लोक नहीं बिके। इस करके तुहाडे कोले मौका है कि हुण जिहड़ा मौका, जिहड़ा पंजाब दी तकदीर, पंजाब दी किस्मत बदल दो, क्योंकि
जिन्होंने पंजाब नूं लुट्टिया कसुट्टिया थोड़ा देख लो बादलों के हालात की माड़े होणगे ते कांग्रेस के की जिहड़े माड़े हालात हो गए आने वाले समय के कुत्ता नहीं पुछना जिहड़ा कैप्टन अमरिंदर सिंह राजे जिहड़े राजे साढ़े ते लंबा समा राज करदे आ रहे ने पहलां तां उन्हां दे प्यो दादिआं ने साडा जिहड़ा पंजाब नूं साडे पंजाब नूं अंग्रेजां अधीन गुलाम कराया कैप्टन अमरिंदर दे प्यो दादे ने साडे पंजाब नूं उन्हां नूं गुलाम कराउण वाले होए ने कैप्टन अमरिंदर पटियाले वाले राजे ते मजीठे परिवार फिर बई आ गई इन्हां दी वारी इन्हां ने साडे पंजाब नूं भाजपा अधीन गुलाम कराया कैप्टन ने लिया के पंजाब दे विच 50 किलोमीटर का घेरा जिहड़ा फौज नूं दित्ता पंजाब दे विच 50 किलोमीटर तक फौज लाती कैप्टन ने भाजपा दे नाल बादलों ने भाजपा दे नाल मिलके सेंटर गौरमेंट दे नाल मिलके जिहड़ा पंजाब दे उपर कब्जा कराया हुण थोड़े तो उम्मीद करते आम आदमी पार्टी वालों कि तुसीं इह काम नहीं करोगे जे अज लोगों का दौर है जे तुसीं चंगी गल बोलोगे थोड़ी चंगी गल भी एक दिन दे विच फैलूगी जे तुसीं माड़ा काम करोगे थोड़ी माड़ी गल भी एक दिन दे विच फैलूगी इह नहीं पता लोगों का दो तीन सालों बाद जिहड़ा पलटा पदल पलट देण अज वो टाइम नहीं रह गया इस करके आम आदमी पार्टी वो डर के रहो लोगों तो लोग ताकत बहुत बहुत बड़ी ताकत है डर के लोगों ने काम करो हंकार दे विच ना आयो जे हंकार दे विच आओगे तो बादल बड़ा समा लंबा समा राज कर गए कांग्रेस बड़ा लंबा समा राज कर गई थोड़ा पलटा लोग बड़े जल्दी पलट देंगे इन गल्ला थोड़े ना मैं करनिया सीगियां पंजाब के हकों लिए लड़ते रहेंगे पंजाब के लिए डट के खड़े रहेंगे अगलिया जिहड़ियां लड़ाइया ने पंजाब दियां बड़ियां लड़ाइयां नेगियां लखे बाई ने भी ऐलान कर देने कई दिनों के पंजाब के पानिया का बन्न की लड़ाई उत्थे डट के जिहड़ी लड़ाई लड़ांगे पंजाब का जिहड़ा पानी भाखड़ा दे पोज साडी मैनेजमेंट बोर्ड के साडा जिहड़ा उत्थों मैंबरशिप खत्म करी गई लड़ाई लड़न लई जा रहे हैं टोल टैक्सां दी लड़ाई लड़न लई जा रहे हैं टोल टैक्सां दे उपर जिहड़ी परची है तो जिहड़ा अपना परची घटाउणी है तो जिहड़े दूजा मुद्दा के जिहड़ा फास्टैग वाला मुद्दा वह चकना फास्टैग वाला फास्टैग बंद करवाउणा कोशिश करांगे कि जिवें कि महाराष्ट्र दे विच टोल टैक्स फ्री किए गए हैं पंजाब दे विच भी टोल टैक्स फ्री होण आम जनता नूं टोल टैक्स फ्री होण ट्रांसपोर्ट नूं जां होर चीज़ां नूं जिहड़े बिजनेस करदे ने उहनां नूं उहनां उपर टोल टैक्स लगे आम जनता उपर टोल टैक्सां नूं जिहड़ी छोट होवे इह उम्मीद भगवंत मान तों भी करांगे मिल के भी भगवंत मान नूं कह के आवांगे मिल के भी जिहड़े पंजाब दे मुद्दे आ कहांगे आह पंजाब दे मुद्दे नेगे इहनां ते गल्लबात करो किवें जिहड़ियां बाहरलियां कंपनियां पंजाब दे विच पंजाब दे जमीनां उपर